एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी आप सबको। दोस्तों अभी हम मियाँ बीवी जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। हेलो वतीदेव, कुछ बोलिए। तो ड्राइवर मत बोलो यार आप। तो हम लोग इस्कॉन मंदिर की तरफ निकल गए हैं। ये मेरे पति देव जो बहुत अच्छा भजन गाते हैं, जरा एक भजन सुनाइए तो पापा जी, एक भजन। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि इसी मन में बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भजन, धन्यवाद। यहाँ से रोड बंद कर रखा है, मंदिर आगे है, अभी रेड लाइट में है हम लोग, तो ग्रीन लाइट हो गया है, लेकिन देखो जाम लगी है। यहाँ से सर्विस रोड से चलिए, यहाँ से जाते हैं, आगे पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर पार्किंग का वो कर रखा है, वीआईपी मतलब वीआईपी वालों के लिए पास बना रखा है ना बाबा, देखो क्या मतलब पास है क्योंकि पूछ रहे हमने कर दिया, इसमें कर देते हैं, इसमें डाल दे यहाँ पे, पीछे से जा सकते हैं, ऊपर नहीं है इसलिए पास में। चलो उधर से चलो, वहाँ लगा नंगे पांव चल रहा है। इतनी तेज धूप आ गई है अभी, यहाँ अभी भी जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, लास्ट ईयर तो बिनी और उसका बेटा भी आया था, इस बार नहीं आए, वो लोग बिजी है। पहुँच जाएंगे वो लोग भी, क्या चंदू दादा को बोलो आ जाएंगे, चंदू दादा लोग ऑफिस गए हैं, क्या छुट्टी मिली नहीं उसी का, नहीं तो ऑफिस गए हैं सब लोग। आपके ही छुट्टी है यार, हमेशा जन्माष्टमी में आपके ही छुट्टी होता है। वो लोग अंग्रेज रहे क्या? अंग्रेजी हुए सब हम। अभी थोड़ा चलना है, धूप भी आ रही है तेज तेज। छत्तीसगढ़ निवास क्यों हो गया यहाँ पर? छत्तीसगढ़ और अलग अलग उनका रखा ये वो है ना भवन है, उत्तराखंड वालों का भी है कह रहे थे, ये छत्तीसगढ़ भवन है बगल में। आज के दिन जन्माष्टमी में भीड़ तो होगी पापा, ये छत्तीसगढ़ भवन। आओ जल्दी, कैसा लग रहा है? राम रो, धीरे राम रो, धीरे राम रो, बढ़िया लग रहा है, धीरे राम रो, नंगे पांव। यहाँ पर इस तरफ ये बन रहा है, ये कौन सा भवन है भाई? ये इस्कॉन मंदिर है, ये जो सामने दिख रहा है बन रहा है, नया बन रहा है अभी, भव्य बनने वाला, भव्य बहुत सुंदर बनने वाला है यार। दूसरे साल हम इस वाले उसमें दर्शन करेंगे, द्वारिका वालों के लिए बढ़िया हो गया यहाँ पे ना, इसलिए तो नाम पड़ा है द्वारका, कृष्ण कृष्ण का वो है ना द्वारका, द्वारका रहने का मजा ही कुछ और है। एक कृष्ण राधे, एक कृष्ण राधे, पहुंच गए हैं हम लोग।
कृष्णा के द्वार में, राधे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। अभी इनका ऑरेंज कार्ड है। राधे कृष्ण नहीं डिफरेंस होता है। राधे कृष्ण ये चीज़ है ना, सब मतलब रेलिंग बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। पिछले बार थोड़ा वैसा वाला था, इस बार अच्छा बना रखा है। राधे कृष्ण भीड़ है बहुत। छोटा सा खाना, छोटा सा खाना है, देखो हाथ हिला रहा है, सो क्यूट। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ना इसको। लेकिन बच्चे बच्चे ऐसे हो जाते हैं भीड़ में, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसको मजा। हाँ वही तो, रोने लग जाते हैं गर्मी में। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी काना, नजर तो ही लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी काना, नजर तो है लग जाएगी। राधे श्याम राधे श्याम, जय हो बाके बिहारी लाल की जय। वल्लभाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, अरे हो। राधे कृष्ण के लिए बहुत भीड़ है, दर्शन के लिए
निकलने का ऊपर रखा है, उधर से एंट्री है। तो अभी तो बहुत ही जाली है, अब जा रहे हैं वापस हम लोग। लेकिन रास्ता तो कहाँ से कहाँ है, इधर से उधर, उधर से इधर घूम के जाना है बहुत। So some technical issue is there, which we are resolving. Hare Krishna, Hare Krishna. चलते हैं रुको थोड़ी देर। भोज वंश को कंस के उत्पात से अक्रूर जी जो विधेय भाव से तो कृष्ण भक्ति में थे, पर कृष्ण की सेवा उनकी भक्ति को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे, उनको भी नहीं होने से बचाया एवं उनको दिव्य दर्शन दे उनका भी उद्धार किया, जैसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। कृष्णा हरे हरे। वाह, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वापस जा रहे हैं, दर्शन भी हो गया, प्रोग्राम भी देख लिया थोड़ा बहुत। चलिए, पसीना पसीना हो गए जी आप। यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। हरे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा श्याम कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठंडा लीजिए माता जी। धन्यवाद। नमस्ते नारायण। ये ठंडाई और ये प्रसाद। नारायण हरि नारायण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये ठंडाई दे रहे हैं, प्रसाद मिल गया है हम लोगों को। इधर से इधर आ जाओ, आप उधर पाओ, आओ प्लीज आगे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। हम बस ठंडाई पी के मजा आ गया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। माता थोड़ा साइड में प्लीज आओ। प्रसाद है ये, अब घर की तरफ जा रहे हैं। राधे प्रभु जी बदला है ना लच्छ। बहुत बढ़िया, राधे कृष्ण का दर्शन करके आ गए। हाँ बढ़िया लच्छ, बोले है बढ़िया, अच्छे बढ़िया, प्रसाद भी बढ़िया, ठंडाई भी बहुत बढ़िया, नासिम रास ठंडाई बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण। इन दोनों को बहन भाइयों को एक जैसा दे दो। जा रहे हैं वापस, धूप तेज आ गई। वाह कितनी लंबी लाइन हो गई अभी तो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लंबी लंबी लाइन हो गई, हम दर्शन करके आ गए। राधे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे यार ये भवन के आगे तक ही है, ये तो बहुत आगे तक। मोहन हम भी सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे कृष्ण हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कौन दादा मीना बहुत लंबी लाइन है, हम तो टाइम से आ गए पापा। हाँ अभी बहुत, अभी तो बहुत भीड़ हो गई, बहुत लंबी लाइन लग रही है ना आगे तक है। जय हो जय हो। राधे कृष्ण अब जा रहे हैं वापस अपने गाड़ी की तरफ। ओ माय गॉड दूर बहुत बड़ा पापा। नाक होता है ला घंटा दुखाव लगते नहीं। चल रहे हैं अब हम रिलायंस की तरफ, थोड़ा सा काम है रिलायंस में तो। बहुत तेज़ धूप आ गई अभी यार, जबकि सुबह तो बढ़िया मौसम हो रहा था। यहाँ पे पानी का इंतज़ाम भी कर रखा है, ये देखिए जहाँ पर पार्किंग है वहाँ पे पानी का इंतज़ाम भी है। क्योंकि मौसम तो वैसे अच्छा ही हो रहा है, हवा चल रही है, मगर धूप आती है तो प्यास तो लगती है। और भीड़ भी इतनी है कि श्याम जी के जन्मदिन पे बिल्कुल। अब जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने, दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पति देव जी, आपने दर्शन करा दिया। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा शॉपिंग करके फिर घर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ रिलायंस है पास में तो रिलायंस गए थे एक दो सामान उठा के, अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, कृष्णा जी का दर्शन करके बहुत आनंद आया। अभी भीड़ है इतनी तो रात को तो कितनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ रहती है रात को। तो कभी गए नहीं, रात को जा नहीं पाए कभी भी, मतलब भीड़ भी होती है और ऐसी हो जाता है क्योंकि सोसाइटी में भी होता ही है, प्रोग्राम होता है रात को, शाम को कीर्तन तो वैसे ही होता है, तो यहीं पर जाते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी, मेरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू।